प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। जैसे कोई भी आपके वीडियो बनता है हमारा, वो आपके तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आज हम जो क्वेश्चन 7 तक करा दिए थे, क्लास 8 के एक्सरसाइज 13 भी है, पेनलोग्राम चैप्टर का नाम है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन 8 लिखे हैं, जो पार्ट है 4 वो लिखे हैं। एक कोटेशन भी मैंने आज लिखा है, जब लोग आपको कॉपी करने लगें, जब लोग आपको कॉपी करने लगें तो समझ लेना ज़िंदगी में आप सक्सेस हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा कोटेशन है, जब लोग आपको कॉपी करने लगते हैं तो समझ लो आप सक्सेस की रास्ते पे चल रहे हो। तो हम ये 4 क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फिगर में बहुत ही अच्छे से समझना होगा। जब फिगर को अच्छे से समझ लेंगे तभी हम इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखा है, कैलकुलेट द एंगल्स मार्क विद स्मॉल लेटर। जो स्मॉल लेटर से मार्क किए गए हैं एंगल हैं, जैसे पहले में मार्क नहीं किया गया, पहले में 21 एक्स पूछा गया, ये 21 है और ये एक्स पूछा गया, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, इक्वली कट करते हैं, ठीक है। जो डायगोनल्स होते हैं इक्वली कट होते हैं, है? तो लिख सकते हैं डायगोनल्स कट इक्वली, ठीक है। अब जब इक्वली कट करते हैं तो हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा, क्या ट्रायंगल ए ओ बी इज आइसोसेलेस, ठीक है। आइसोसेलेस जब ट्रायंगल बन जाएगा तो ये जो हमारा है एंगल, एंगल ए बी ओ बराबर एंगल बी ए ओ बराबर 21, तो ये भी 21 हो गया। जब ये 21 हो गया तो रेक्टेंगल प्रॉपर्टी क्या, 90 रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है भाई, ये पूरा एंगल क्या 90 का होगा, तो 21 प्लस एक्स बराबर 90, ओके। तो एक्स स्क्वल टू बराबर कितना आ जाएगा, 90 माइनस 21, तो एक्स स्क्वल टू बराबर कितना आ जाएगा, 69, तो हमारा 69 आ गया। तो जो एंगल था हमारा 69 आ गया। तो पहला क्वेश्चन फिनिश, अगर नहीं आया तो आप इसे दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। अब मुझे क्या एंगल ए और एंगल बी निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालते भाई, एक तो हम बहुत से तरीके, एक तो हमारा ये एंगल निकाल सकते पीछे से पढ़े, ये एंगल कितना निकाल सकते हैं बताओ भाई, ये एंगल कैसे निकाल सकते। तो भाई लाइन लाइन पेयर एंगल हो जाएगा, लाइन पेयर एंगल से तो लिख सकते लाइन पेयर एंगल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 120 प्लस ये एंगल कितना होगा, एंगल क्यू ओ आर 180 होगा। तो एंगल क्यू ओ आर बराबर 180 माइनस 102, तो क्यू ओ आर बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 8, ठीक है बचेगा। यहाँ कितना बचेगा 78, तो हमारा ये एंगल हमारा कितना लगा, ये हमारा 78 आ गया। जब हमारा 78 आ गया तो पता है ये कौन सा ट्रेंगल भाई, डायगोनल्स प्रॉपर्टी देखो, डायगोनल्स प्रॉपर्टी मेक आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यू ओ आर, ठीक है। जब हो जाएगा तब ये हमारा एंगल ए है तो हमारा ये एंगल भी ए हो जाएगा, हो जाएगा, निकाल सकते हो। तब ये एंगल बराबर है और ये हमारा
78 है, तो इन लगा सकते भाई, निकाल सकते भाई सम ट्रेंगल, ट्रेंगल में देखो इसी ट्रेंगल इन, इसी ट्रेंगल इन ट्रेंगल क्यू ओ आर सभी एंगल के सम 78 प्लस ए प्लस ए बराबर 180, ठीक है। तो 2a बराबर, अब 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना 180 में से माइनस करो कितना 100 टू आ जाएगा, 102, और 102 का आधा करो तो कितना आ जाएगा भाई 51। तो भाई ए हमें जब 51 आ गया, ये 51 आ गया, तो दूसरा यहाँ लिख दे रहे, ठीक है। जब ए 51 आया तो ट्रेंगल, ट्रेंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, जब 51 है तो कितना हो जाएगा 51 प्लस बी बराबर 90, बी इक्वल टू बराबर कितना आया 90 माइनस 51, तो ये 9 ये हमारा 8 39, तो बी हमारा कितना आ जाएगा 39। अब आप सोच रहे हैं और भी तरीके हैं, एक नहीं और भी तरीके से निकाल सकते, ऐसा कुछ नहीं, आप ये सब यहाँ से कर सकते हो, उससे भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। आप जितने प्रॉपर्टी यूज, एक जरूरी नहीं एक फिक्स प्रॉपर्टी यूज, लेकिन हमने जो अप्रोच लगाई आपको अच्छी लगे तो ठीक है, अगर और कोई तरीके से निकाल सकते हो तो उससे भी निकाल आएगा, ठीक है। रोम्बस का देख लेते भाई, रोम्बस का हमें एक्स और वाई चाहिए भाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है जो डायगोनल्स होते हैं कट 90 डिग्री, तो लिखो डायगोनल्स कट 90 डिग्री, जब ये 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक है, तो ट्रेंगल पी एल क्यू में तो कितना हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180, ठीक है। तो देखो 34 प्लस 90 प्लस एक्स बराबर 180, ये कितना हो जाएगा 412 180। एक्स इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 180 माइनस 124, तो हमारा ये 6, ये 5 में से 7 फिफ्ट हो जाएगा 5, एक्स इक्वल टू 56। अब एक और प्रॉपर्टी है, अब ये हमारा 56 निकल आया, तो आप देखोगे ये साइड और ये साइड बराबर है ना, तो इस ट्रायंगल में आइसोसेलिस ट्रायंगल हो गया, दो साइड बराबर, आइसोसेलिस ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलिस ट्रायंगल हो गया, तो आइसोसेलिस से तो बाई बराबर भी हमारा कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, लिख रहे हैं, लिख सकते हैं एन आइसोसेलिस ट्रेंगल पी एस क्यू, ठीक है, पी एस क्यू इससे निकल आया आइसोसेलिस से, तो ये जब ये दोनों एंगल साइड बराबर है ना, इस वजह से निकल आया, ठीक है। अब ये इसमें देख लो भाई, अब इसमें मुझे ए चाहिए, ठीक है। पहले तो देखो जो डायगोनल्स कट है बाइसेक्ट करता, तो डायगोनल्स डायगोनल्स बाइसेक्ट, ठीक है, बाइसेक्ट, ठीक है, कि बाइसेक्ट करता है डायगोनल, तो हमारा ये पूरा 90 का, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 45। तो लिख सकते हैं ट्रायंगल एक्स सी वाई बराबर 45, निकल आया 45। अब ये एंगल आप सामने निकालते हैं लाइन पेयर एंगल से, लाइन पेयर एंगल, लाइन पेयर एंगल से क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला एंगल, एंगल बाई एक्स सी बराबर
180 माइनस 100 100 12, तो माइनस कर दो तो 8 हो जाएगा ये, ठीक है। 7 में से बन जाएगा तो 6 बचेगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 68 आएगा। अब ट्रायंगल सी एक्स वाई इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स सम 180, ठीक है। अब क्या 68 प्लस 45 प्लस जो हमें ये निकालना ए बराबर 180, ठीक है। अब जो एंगल क्या आ जाएगा, ए कितना आ जाएगा 180 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 5 और 8 13 10 11। अब इसको सॉल्व करो, ये 7, ठीक है, 7 में जाएगा 68, तो ए हमारा 67 निकाला है, 67 डिग्री। तो आई होप आपको जो चारों क्वेश्चन समझ में आए, नहीं आए तो एक बार हम अच्छे से रिपीट कर रहे हैं, फिर देख लेना। पहले में क्या लगाया भाई, डायगोनल कट इक्वली, तो डायगोनल्स हैं जिस इंटरसेक्ट का इक्वली कट करते हैं, मतलब ये जो होगी वही ये होगी। जब ये होगी तो जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलिस ट्रायंगल हो तो ये एंगल बराबर, तब ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, तो ये पूरा 90 का है भाई, तो 90 में से ये निकाल देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 69 बचेगा। दूसरा देख लो इसमें क्या है भाई, हमें सबसे पहले क्या लाइन पेयर प्रॉपर्टी से मैंने इस एंगल को निकाल लिया। जब ये एंगल निकाल लिया, हमारा ये और ये तो बराबर ही होंगे, कौन से होंगे भाई, आइसोसेलिस प्रॉपर्टी है, सॉरी डायगोनल्स मार्क आइसोसेलिस प्रॉपर्टी, तो डायगोनल से होंगे उससे निकल आएगा, ठीक है। अब एक ही वैल्यू जब 58 निकल आएगी तो बस यही प्रॉपर्टी इसमें यूज़ कर दी, उससे निकल आया, ठीक है। दूसरा क्या, रोम्बस 90 डिग्री से कट करता है 90 डिग्री से, तो ये 90 है, ये 34 है, तो हम इंटीरियर से निकाल सकते 56। अब ये और ये दोनों साइड बराबर हैं, तो आप जब देखो जब इस साइड के इक्वल में ये हमारा 56 है, तो इस साइड के इक्वल में हमारा भाई है, तो हमारा भाई भी 56 निकल आया। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 90 है तो ये 45 हो जाएगा भाई, पूरा 90 45, तब ये 45 है, ये लाइन पेयर एंगल से है लाइन पेयर, तो ये 120 है, तो ये बचा कितना 68 निकला। अब ये 68 निकल आया, मैंने ये 68, तो एंगल से इसमें क्या इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी निकाल ले सकते हो, लगा सके थे तो हम ये निकाल सकते। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा लोगों को शेयर करते रहिए, जो मैंने पहले कोटेशन दिया था, जब लोग आपको कॉपी करने लगें तो समझ लें आप सक्सेस की राह पर चल रहे हैं। अपना ख्याल रखें और औरों का भी रखें।